अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो अगर आप फॉर्चुनर लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली जो मैं आप लोगों को बताऊँगा वो फॉर्चुनर GR वर्सेस लेजेंडर दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंस है, ताकि ये कि वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लैरिटी हो जाए कि आपने GR लेना है या फिर लेजेंडर लेना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन मस्त है, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं और आपका इन दोनों गाड़ियों के ख़रीदने का मूड हो रहा है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स दी होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं GR से। फ्रंट जो है दोनों गाड़ियों का ऑलमोस्ट सेम है, प्रोजेक्टर सेटअप, LED लाइट्स आती हैं। इसमें आपके पास टर्न सिग्नल्स जो हैं नीचे दिए जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले कीज़ की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रख के आप लोगों को की दिखा देता हूँ। कीज़ जो हैं ये लेजेंडर की है, जिसमें लॉक, अनलॉक, बूट ओपनर, पैनिक बटन दिया गया और बैक पे फॉर्चुनर लिखा हुआ है। जबकि GR की जो की है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब GR में आपके जो सिल्वर लाइनिंग आती है वो साइड पे आती है और बीच में बटन्स ब्लैक हैं, जबकि इसमें सिल्वर बटन्स दिए गए हैं। बाकी सेम वही फंक्शनैलिटी है, बैक पे आपको GR लिखा हुआ मिल जाता है। अब सबसे पहले मैं GR को अनलॉक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो टर्न सिग्नल्स इन गाड़ियों में नीचे आते हैं। आपके पास फॉग लाइट्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, GR की बैजिंग, टोयोटा का 3D एम्बलम, और ये इसके एक दफ़ा दूर से व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। दोनों गाड़ियों में इंजन सेम है, हॉर्स पावर टॉर्क सेम है। मतलब टोयोटा का 1GD 4-सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन आता है, जो कि 200 हॉर्स पावर और 500 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, 204 हॉर्स पावर के राउंड अबाउट। अब अलॉय रिम्स पे आ जाते हैं। अब इस गाड़ी में सबसे पहले आपके पास ग्लॉस ब्लैक में अलॉय रिम्स दिए जाते हैं, जो कि 18 इंचेस के हैं। दोनों गाड़ी में 18 इंचेस के रिम आते हैं, बट इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं। GR में आपको ब्रेक कैलिपर्स रेड में मिलते हैं, जिनके ऊपर GR की बैजिंग भी की गई है, अगर मैं आप लोगों को ये फोकस करके दिखा सकूं। इसके अलावा साइड मिरर में टर्न सिग्नल्स, फ्रंट पैसिव एंट्री आपको मिल रही है, क्रोम लाइनिंग साइड पर जा रही है, ऊपर ग्रेश कलर में रूफ रेल्स दी गई हैं। इसी तरह बैक पे भी इसके जो आपके पास ब्रेक कैलिपर्स हैं वो रेड में दिए गए हैं। डिस्क ब्रेक्स हैं। इसका सस्पेंशन थोड़ा सा अपग्रेड किया टोयोटा ने ओवर नॉर्मल लेजेंडर। इसकी राइड क्वालिटी लेजेंडर से थोड़ी सी बेहतर है, जस्ट बिकॉज के इसके सस्पेंशन में कुछ ट्विक्स किए हैं टोयोटा ने। तो एक तो ये कि थोड़ा और स्पोर्टी हो गया है और काफ़ी ग्रिप इसकी थोड़ी सी इम्प्रूव हो चुकी है। बाकी बैक लाइट सेम है, वही लावा LED लाइट्स आपको मिल रही हैं, क्रोम लाइनिंग जा रही है। फॉर्चुनर आपको ब्लैक में लिखा हुआ मिल जाता है, GR की बैजिंग आपको मिल जाती है इस वेरिएंट में, और 4x4 का एम्बलम आपको दिया गया। इस साइड पे 2.8 का बैज आपको मिल रहा है। ऑटो टेल गेट दोनों गाड़ियों में है। बैक पे आपके पास इसका जो स्पॉयलर दिया गया है ना वो ब्लैक में है, और हाई माउंट ब्रेक लैंप आपको मिल रहा है। सेम इज़ द केस विद, ये किसी ने आफ्टर मार्केट लगाया है वरना ये GR नहीं है। सेम वही क्रोम लाइनिंग कंटिन्यू हो रही है। इसमें आपके पास क्रोम डोर हैंडल्स आपको मिल रहे हैं। बैक साइड पे आ जाएं, सेम कलर रूफ रेल सब कुछ सेम है, बस इसमें आपके पास एक बैज एक्स्ट्रा है जो कि लेजेंडर का है इंस्टेड ऑफ GR। इस साइड पे 4x4 एंड Sigma 4 की बैजिंग आपको मिल जाती है। सेम LED लावा लाइट्स का कॉम्बिनेशन है। ब्लैक में फॉर्चुनर की बैजिंग की गई है। सबसे पहले लेजेंडर के इंटीरियर में हम आ जाते हैं। रिट्रैक्टेबल मिरर्स दोनों गाड़ियों में सेम है। हाँ, इसके जो अलॉय रिम्स हैं वो 2-टोन में हैं, देख सकते हैं आप, क्रोम विद ब्लैक। अब इसमें जो डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं फ्रंट और बैक, बट इसमें जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो रेड कलर में नहीं है, वो थोड़ा ग्रेश कलर में बैक पे भी और फ्रंट पे भी। फ्रंट साइड में क्या डिफरेंस है, वही सेम इसके फ्रंट लुक आप लोगों को मिल रही है। पार्किंग सेंसर्स, LED लाइट्स नीचे, इसके आपके पास टर्न सिग्नल्स दिए जाते हैं। अच्छा, ग्रिल में आपके पास लेजेंडर में 3D एम्बलम नहीं आता, बेसिक एम्बलम दिया जाता है। बाकी सोनार सिस्टम दोनों गाड़ियों में है। GR की बैजिंग नहीं मिलती, जो कि यहाँ पे आपको GR में एक बैज मिल रहा है, अगर मैं यहाँ से आपको दिखा सकूँ। ग्रिल आप देख सकते हैं मोर ऑर लेस दोनों गाड़ियों की सेम ही है, ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है फ्रंट से। इसके अलावा सिर्फ एक GR का बैज नहीं है, बाकी गाड़ी में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और सोनार सिस्टम वगैरह मिल रहा है।
सो अब सबसे पहले लेजेंडर में आते हैं, चूँकि लेजेंडर एक काइंड ऑफ ए टॉप वेरिएंट है, किस लिहाज से आप लोगों को बताता हूँ। इसमें मरून विद ब्लैक इंटीरियर आता है, एम्बियंट लाइट्स आती हैं, क्रोम डोर हैंडल्स आते हैं, ऑल ऑटो विंडोज आती हैं दोनों। ओवरऑल इंटीरियर आप देख सकते हैं ब्लैक इंटीरियर है जो कि लेजेंडर का है। इसके अलावा 100 वॉट का आउटलेट, दो यूएसबी पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। सीट्स इसकी भी काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस फॉर्चुनर, बट स्टिल फॉर्चुनर है तो इतना ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं है इसकी सीट्स। अब मैं जीआर में आ जाता हूँ, हो जा खुल जा सिम सिम, तो देर यू गो। अच्छा एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, जीआर को जब आप अनलॉक करते हैं तो आवाज़ नहीं करती, जबकि लेजेंडर को ओपन करते हैं तो वो आवाज़ करती है। वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ किस टाइप की आवाज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, जो जीआर है उसमें आपके पास रेड स्टिचिंग मिल रही है, ओवरऑल इंटीरियर ब्लैक है। इसकी जो सीट्स हैं ना वो आपको ये देख सकते हैं, फैब्रिक विद लेदर स्टिचिंग के साथ में, विद लेदर मिलती है स्टिचिंग, सॉरी नहीं, पार्ट लेदर पार्ट फैब्रिक, और बीच में आपके पास रेड डॉट्स दिए गए हैं। दैन आपके पास कप होल्डर्स वगैरह हैं, सेम वही 100 वॉट आउटलेट, ऊपर दो यूएसबी पोर्ट्स आपको मिल रहे हैं, और ओवरऑल थीम दोनों गाड़ियों की ब्लैक है, बट उसमें मरून या बरगंडी जो आप कह सकते हैं उसको इंटीरियर दिया जाता है। इसमें सिर्फ ब्लैक इंटीरियर है, बट इसका जो ब्लैक है ना, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीट्स हैं, इसमें रेड स्टिचिंग आप लोगों को मिल रही है, और इसमें बकेट सीट्स आपको दी जाती हैं जो कि आपको काफ़ी हद तक ग्रिप करके रखती हैं। जीआर की बैजिंग फ्रंट दोनों सीट्स पे आपको मिल जाती है, स्टीयरिंग व्हील पे जीआर का बैज, रेड स्टिचिंग हर जगह आप देख सकते हैं, रेड स्टिचिंग कंटिन्यू हो रही है। स्टार्ट स्टॉप बटन पे जीआर का बैज है। पेडल्स इसके आपको मेटल में फिनिश मिलते हैं, पार्किंग सेंसर जैसा मैंने पहले बताया, ऊपर भी स्टिचिंग जा रही है। गेजेस पे बाद में आते हैं, बाकी स्टार्ट वगैरह करके दोनों गाड़ियां मैं दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। गाड़ी में बेसिक क्रूज कंट्रोल आता है, और आप एक सेकंड जी मैं आपको दोनों गाड़ियां लॉक करके दिखाता हूं। ये देख सकते हैं एक बीप करती है लेजेंडर जब आप इसको लॉक या अनलॉक करते हैं। अब सेम मैं जीआर को करता हूं, ये देख सकते हैं ये आपको कोई बीप साउंड नहीं देता, चाहे आप लॉक करें चाहे अनलॉक करें। अब चलते हैं लेजेंडर का इंटीरियर आप लोगों को फ्रंट से दिखाते हैं। सो लेजेंडर में भी वंस अगेन इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं, बकेट सीट्स हैं, काफ़ी हद तक ग्रिप करके रखती हैं, बट इसमें ओवरऑल लेदर सीट्स हैं। जीआर की तरह फैब्रिक और लेदर का कॉम्बिनेशन नहीं है, बट हाँ इसमें टू टोन इंटीरियर आपको मिल रहा है। ऊपर देख सकते हैं कोई बैजिंग नहीं मिल रही, वंस अगेन रेड स्टिचिंग इस साइड पर भी जा रही है, इसके ऊपर भी रेड स्टिचिंग है, रेड स्टिचिंग इसके भी हर जगह कंटिन्यू हो रही है। देन गाड़ी में बेसिक क्रूज कंट्रोल, 3 एयर बैग्स हैं, इसमें स्टेयरिंग ऊपर ये वुडन टच इसका दिया गया, और बेसिक इसका स्टार्ट स्टॉप बटन है, और नीचे पेडल्स भी इसके रबराइज टाइप हैं। अब मैं अंदर आ जाता हूँ, गाड़ी में ट्विटर स्पीकर्स दिए गए हैं, 6-speed ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स, यहाँ पे वुडन ट्रिम्स काइंड ऑफ जा रही हैं जो कि ग्लॉस में फिनिश है, इको नॉर्मल स्पोर्ट बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, डिफ लॉक। स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, ये डीजल इंजन का स्टार्टअप था। मीटर में देख सकते हैं फॉर्चुनर की बैजिंग आपको मिल जाती है, एंड देयर यू गो। ऑप्टीट्रॉन मीटर है गाड़ी में फ्रंट के लिए, डुअल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल रहा है, यहाँ से आप इसको एसी को ऑन कर सकते हैं, और बैक के लिए एक जोन यहाँ पे दिया गया, आप इसको यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल गाड़ी में 3-zone क्लाइमेट कंट्रोल है। फ्रंट पे भी एम्बियंट लाइट्स इसकी कंटिन्यू हो रही हैं, सीट्स फ्रंट की थोड़ी सी स्टिफ हैं, साइड पे भी ये देख सकते हैं एम्बियंट लाइट जा रही है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपके पास एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है, और जो कि वायर्ड है, वंस अगेन एंड्रॉयड ऑटो आ गया, कारप्ले आ गया। अब मैं अपना एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज के मेरे फ़ोन के साथ Type-C to Type-C केबल आती, जब इसमें Type-C केबल की ऑप्शन आपको नहीं मिल रही, सिंपल USB Type-A की केबल मिलती है। टोयोटा क्लॉक, रेड स्टिचिंग, फॉर्चुनर का बटन आपको मिल रहा है, ये काइंड ऑफ एन कूल बॉक्स का काम करता है क्योंकि इसमें आपका एयर वेंट खुल रहा है। नीचे वाला सिंपल ग्लव बॉक्स है, और ऊपर की बात की जाए ये जो टोयोटा का स्क्रैची मटेरियल है, ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर, ऊपर वैनिटी मिरर विद लाइट आता है, इसको भी अगर थोड़ा सा ये देखें स्क्रैची मटेरियल है, थोड़ा सा ये भी अगर फैब्रिक में हो जाता तो काफ़ी अच्छी बात थी। सनग्लास होल्डर मिल जाता है, ऊपर
LED लाइट्स मिल रही हैं। गेज पे आ जाते हैं तो ये ऑप्टीट्रॉन मीटरेस में आपको दिया गया, जो कि थोड़ा सा वाइट में है। बीच में MID दी गई है जिसको आप थ्रू दीज बटन्स कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें स्टेयरिंग एंगल है, VSC स्टेयरिंग व्हील है, रेयर LSD है, हिल डिसेंट कंट्रोल, फोर व्हील ड्राइव कंट्रोल्स, ये टू व्हील और फोर व्हील दोनों में आती है। सो आप इसको फोर व्हील में भी शिफ्ट कर सकते हैं। कप होल्डर्स और काफ़ी ग्लॉसी मटेरियल इसमें दिया गया। पार्किंग सेंसर्स, ऑटो टेलगेट, 3 एयरबैग्स, मैनुअली कंट्रोल्ड स्टीयरिंग व्हील, पेडल शिफ्टर्स आपको मिल रहे हैं। 6-speed ऑटो के साथ आती है जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलते हैं GR में और आप लोगों को उसका भी इंटीरियर स्टार्टअप चेक करवाते हैं। सो ये तो था जी आपका लेजेंडर का इंटीरियर। आई पर्सनली लव द इंटीरियर ऑफ लेजेंडर क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको टू टोन मिल जाता है, एम्बिएंट लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं, बट जो आपका GR है वो भी किसी से कम नहीं है क्योंकि इसमें फैब्रिक सीट्स हैं तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील होती हैं। क्रोम डोर हैंडल्स, अब इसको मैं तो ये था इस गाड़ी का स्टार्टअप। वंस अगेन 3-zone ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल रहा है। यहाँ से आप करते हैं डुअल एट फ्रंट एंड सिंगल एट बैक। वंस अगेन LED लाइट्स हैं, सनग्लास होल्डर, ऑटो डिमिंग रेट व्यू मिरर वगैरह सब कुछ मिल जाता है। सेम वही स्क्रैची मटेरियल मिल रहा है जैसा पहले बता चुका हूँ। GR की बैजिंग, रेड स्टिचिंग और इंफोटेनमेंट सिस्टम मोर और लेस सेम ही है। एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले, 6-speed ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स था, बट यहाँ पर जो पैटर्न है ना काइंड ऑफ दूर से देखें ना तो ऐसा लगता है कार्बन फाइबर पैटर्न है, बट ये प्लास्टिक में ना यूँ डॉटेड जो पैटर्न बनाया है इसके लुक को काफ़ी एनहांस कर रहा है। सेम इको नॉर्मल स्पोर्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, डिफ लॉक, इसमें ऑटो LSD एट रेयर XL, देन लेदर स्टिचिंग वगैरह मिल रही है। आर्मरेस्ट में अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है। तो इन कप होल्डर्स, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि ग्लॉस नहीं है तो स्क्रैच इतना जल्दी नहीं होगी। गाड़ी में एम्बिएंट लाइट नहीं आती, लेजेंडर में एम्बिएंट लाइट वगैरह आपको मिल जाती है। देख सकते हैं सारा कुछ ब्लैक है, कोई एम्बिएंट लाइट्स नहीं है। हिल डिसेंट कंट्रोल, फोर व्हील ड्राइव के कंट्रोल्स, पेडल शिफ्टर्स। इसका मीटर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें जो आपको गेजेस मिलती है ना वो रेड में मिलती हैं और इसका स्टार्टअप भी थोड़ा सा डिफरेंट है। एक सेकेंड बंद करके तो ये आप देख सकते हैं स्टार्ट होते साथ ही GR की बैजिंग और जो साइड पे लाइट आते हैं बेजल्स काफ़ी एक बेहतरीन वाइब देते हैं। बाकी स्टेयरिंग एंगल वगैरह आपको मिल जाता है, वार्निंग्स आ गई, सेटिंग्स आ गई, फ्यूल एवरेज वगैरह आ गई, ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसकी सीट्स थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं जस्ट बिकॉज के इसमें लेदर सीट्स नहीं, फैब्रिक सीट्स सेंटर में आपको मिल रही हैं, तो ये आपको एक अच्छा वेलकमिंग लुक देती हैं और काफ़ी प्लेजर देती हैं। सो ये था इन दोनों गाड़ियों का डिफरेंस। अगर आप ये गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं तो ये गाड़ियाँ आपको सैगल मोटर स्पोर्ट्स की मेन ब्रांच जो है GT रोड वाली उस पर अवेलेबल हो सकती हैं। वेल गाइस, अब मैं इन दोनों गाड़ियों के प्राइस भी आप लोगों को बता देता हूँ। स्पेसिफिक ये दोनों गाड़ियाँ, गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स वगैरह सोनार सिस्टम तो मैं बता ही चुका हूँ। दोनों गाड़ियाँ 1GD टर्बो डीजल इंजन के साथ आती हैं। मेक मॉडल वेरियंट सब कुछ बताऊँगा, टेंशन नहीं लेनी। ये है जी GR पैकेज, ब्रैंड न्यू अनरजिस्टर्ड गाड़ी है और ब्लैक कलर में है गाड़ी। 2.23 crores इसकी आस्किंग प्राइस की जा रही है GR वाली की, सैगल मोटर स्पोर्ट्स की GT रोड ब्रांच पे। और ये है जी लेजेंडर 2022 का, ये कुछ चला हुआ है तकरीबन 8-1000 किलोमीटर्स, तो इसकी 2.5 crore रुपए डिमांड की जा रही है। तो अगर आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स दी होगी। अब ये गाड़ी जो है फॉर्चुनर लेजेंडर वेरिएंट है, इस्लामाबाद के रजिस्टर है और 205 इसकी आस्किंग प्राइस की जा रही है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो दोनों गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, इसके अलावा और कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स दी होगी, आप वहाँ से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेल गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।